आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस प्रकार अपने फेसबुक अकाउंट में अपने फोन नंबर को जोड़ सकते हैं और फेसबुक के मैसेज और नोटिफिकेशन को फोन में किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे। कभी कभी हम अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने फेसबुक के दोस्तों को समय नहीं दे पाते और हमें नहीं पता चलता कि हमारे फेसबुक में किसके मैसेज आए हैं और कितने नोटिफिकेशन प्राप्त हुए हैं। लेकिन आप इस माध्यम से अपने फेसबुक के मैसेज और नोटिफिकेशन को अपने फ़ोन पर प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर दी गई है। मैं इस पर क्लिक करके अकाउंट को लॉगिन कर ले रहा हूँ। लेकिन यदि आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ नहीं है तो आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखकर लॉगिन कर लें। यदि आप भी प्रोफाइल पिक्चर के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देखकर इस सेटिंग को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरा अकाउंट ओपन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने फोन पर फेसबुक के मैसेज और नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको अपना फोन नंबर फेसबुक अकाउंट से जोड़ना पड़ेगा। अपने फोन नंबर को जोड़ने के लिए आप ऊपर साइड देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके फेसबुक पेज का URL लिखा हुआ है। इसके आगे आप टाइप कर दें /settings, फिर एंटर प्रेस कर दें तो आप देख रहे होंगे सेटिंग का पेज ओपन हो गया। और यहाँ पर नीचे साइड एक फोन का आइकन बना है और उसके आगे लिखा है मोबाइल। इस पे आप क्लिक कर दें तो मोबाइल सेटिंग की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर नीचे साइड एक हरा डब्बा है जिसमें लिखा है ऐड ए फोन। इस पे आप क्लिक करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पॉपअप सी विंडो खुल गई। और यहाँ पर नीचे साइड एक लिंक दी गई है ऐड योर फोन नंबर हेयर। इस पे आप क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई विंडो खुल गई। पहला ऑप्शन यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करने के लिए है, तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरे में यहाँ पर पहले से ही इंडिया सेट है, मैं इसको सेव रहने दे रहा हूँ और यहाँ पर अपना फोन नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। फोन नंबर लिखने के बाद आप नीचे साइड देख सकते हैं नीले डब्बे में लिखा है कंटिन्यू। इस पे आप क्लिक कर दें तो अब मेरे फोन में एक मैसेज आया होगा और उस मैसेज में एक कोड होगा जिस कोड को यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोड को टाइप कर दे रहा हूँ। कोड को टाइप करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई पॉपअप विंडो आ गई जहाँ पर ऊपर साइड एक चेक बॉक्स दिया गया है और उसके आगे लिखा है टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। इस पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर नीचे साइड एक सेकंड ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा है शेयर योर फोन नंबर विद फ्रेंड्स। क्या आप अपना फोन नंबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? तो मैं नहीं करना चाहता, तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करें और फिर ओनली मी पे क्लिक कर दें। इसके बाद सेव सेटिंग पे क्लिक करें तो अब आपका फोन नंबर पूरी तरह से आपके फेसबुक अकाउंट से जुड़ गया, जिसकी नोटिफिकेशन भी ऊपर आ गई। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यू हैव टर्न ऑन SMS अपडेट्स। अब आप अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे कि पेज रिफ्रेश होने के बाद आपका फोन नंबर यहाँ पर ऊपर साइड शो होने लगेगा। लेकिन यदि आपका फोन नंबर पहले से ही आपके फेसबुक अकाउंट से जुड़ा हुआ है फिर भी आपके फोन में मैसेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपके में नोटिफिकेशन सेवा बंद होगी। उसको चालू करने के लिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड ऊपर देख रहे होंगे ऑप्शन दिया गया है नोटिफिकेशन का, जस्ट मोबाइल के ऊपर। इस पे आप क्लिक कर दें फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर चार ऑप्शन आ गए और सबसे लास्ट ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट मैसेज का और आपके फोन का आइकन बना हुआ है। इस पे आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे में पहले से ही टेक्स्ट नोटिफिकेशन सेवा चालू है। यहाँ पर ऑन पे क्लिक है, यदि आपके में बंद होगी तो यहाँ पर ऑफ पे क्लिक होगा। तो आप उसे चालू करने के लिए ऑन पे क्लिक कर दें फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप अपनी नोटिफिकेशन सेवा को चालू कर सकते हैं।
तो इस माध्यम से आप अपने फोन में फेसबुक के मैसेज और नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो थम्स अप पे क्लिक करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारी वीडियो की लगातार सूचना और जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस वीडियो को पीसी पर देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारी और भी वीडियोस को देख सकते हैं और आज कुछ नया सीख सकते हैं। थैंक यू।